जी इट्स अ थ्रीसम तेरे का मतलब है नहीं होता मेरे को तकलीफ नहीं है हम तीनों इन्फिनिक्स के साथ स्कर्दू जा रहे हैं टू शूट अ कमर्शियल फॉर देयर ब्रांड न्यू फोन इन्फिनिक्स 020 सो लेट्स गो येलो बैग होना चाहिए ताकि आपको है ना कंफ्यूजन ना हो फिर येलो येलो डर्टी आपका बैग कोई और लेके जा रहा था चाचा ने फाड़ लिया सी यार क्या बात कर रहे हैं मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ सर रैंगलर्स कर दूं मैं आज का पहला सीक्वेंस इस गाड़ी में ठीक है ना राणा जी आ गए तो गाइस स्विच टू दिस फोन और राणा जी के साथ जरा व्लॉगिंग करते हैं चलिए तो हम पहले एपिसोड में राणा जी के साथ RHS प्लस यूखानो कार फूड रिव्यू फूड इज कारपूल शो विदाउट फूड विदाउट फूड सर वासिफ तो बैठा हुआ है इस तरह सुबह वासिफ इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट आज का ये मकसद है इस व्लॉग का कि हम ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन चेक करें इसकी सेल्फी कैम का क्योंकि हम भाई एक्शन ब्लॉगर में यहाँ पे फूडी बैठा हुआ है सारे हिलते बहुत हैं हिलते बहुत ये झटका है और आपको कैमरे में फील भी नहीं हुआ सो ये पूरे इस ब्लॉग का मकसद है कि हम चेक करें कि कैन यू गाइस शिफ्ट टू अ फोन सेल्फी कैमरा विदाउट यूजिंग GoPros जितने भी एक्शन कैम्स होते हैं एंड जस्ट एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन इन अ फोन सो ये आज का हमारा मिशन है सर ये अभी हुआ है थोड़ी देर पहले ड्रोन क्रैश मेरे मुंह पे रिएक्शन मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्योंकि अपेरेंटली रिकॉर्ड हुआ है रिकॉर्ड हुआ है और मैं आपको हमारा ड्रोन ऑपरेटर मालिक भी दिखाता हूँ बेचारा 3 लाख का उसका ड्रोन जो है ना किया यार देखो इट्स पार्ट ऑफ द गेम बट जो एक्सपीरियंस है यार रैंगलर के साथ इन रोडों पे मैं क्या बताऊं Infinix 020 की ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए प्रोडक्शन टीम ने हॉर्स राइडिंग करते हुए व्लॉगिंग करने का आइडिया दिया लेकिन हम तीनों में से सिर्फ एक बंदे को हॉर्स राइडिंग आती है भाई आपने बड़ा मजा कराया और इस कैमरे ने बड़ा मजा कराया क्योंकि स्टेबलाइज्ड और एक हाथ से आपके भाई ने राइडिंग की है एक हाथ से व्लॉगिंग की है न्यू अचीवमेंट अनलॉक
लास्ट शॉट ऑफ द डे नाना जी, लास्ट शॉट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे चल रहा है? कभी कैंपिंग क्रेजी चल रहा है? कभी कैंपिंग की है? कैंपिंग मैंने की हुई है, लेकिन ये जो माहौल ये बना हुआ है ये नहीं की हुई। सो स्कर्दू से हम जा रहे हैं टाटा बाय बाय, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है ना 3 घंटे के लिए कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है और मोशन सिकनेस मुझे शदीद होती है। सो मैंने ग्रैमिनेट ले ली हुई है, जिसको भी मोशन सिकनेस होती है ग्रैमिनेट ज़रूर साथ लेकर फिरा करें, क्योंकि आपको वरना फिर जो है ना यू फील नॉशियस, उल्टी आएंगी और आप ट्रिप इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। सो गुड बाय स्कर्दू, नेक्स्ट स्टॉप देवसाई, लेट्स गो। देव साई दो लफ्जों की कॉम्बिनेशन से बना है। देव जिसका मतलब है जायंट्स और साई जिसका मतलब है शैडोज। एंड फॉर सेंचुरीज इट इज बिलीव दैट दिस प्लेस इज हॉन्टेड बाय जायंट्स, इसलिए इसका नाम लैंड ऑफ द जायंट्स रखा गया। जी बेगम, अली मलिक टॉप पहुंच गए हम। कौन पहुंचे? अली मलिक टॉप। देखो सही टॉप नहीं ये, अली मलिक टॉप। अली मलिक को पता है इस बात का? ये अली यार ये ठंडी झुकते हैं इस ठंडे मौसम में, ठीक है ना? मतलब फिर कहते हैं यार मेरी व्यूज नहीं आते। उधर से ओए नहीं वापस नहीं, मैं माइक से उठल नहीं नहीं सुना सोट यार, तो तुझे यहां पे फैंस मिल गए यार, देख कितने ज्यादा फैंस है तेरे। वो सर्दी में फैन मिल गए, भला हीटर मिले 2-3 वाले। मार दो मुझे, मार दो मुझे। टेस्ट कर रहे हैं। सुने आपको यहाँ पे इतने हाइट एल्टीट्यूड पे फैंस मिले हैं? मेरे चश्मे की वजह से यार। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवसाई। टॉप टिप, अगर आप देवसाई या इस तरह हाई एल्टीट्यूड जगह पर जा रहे हो तो एक मेडिसिन होती है हाई एल्टीट्यूड के लिए, जब आपके ऑक्सीजन लेवल्स कम हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो जाती है और थोड़े से जो है ना हालत टाइट हो जाती है। सो ऑलवेज कीप दैट मेडिसिन विद यू। हमारे पास नहीं थी तो रात को सर में दर्द शुरू हो गई थी एंड उसका एक और साइड इफेक्ट से आपको नाइटमेयर्स आते हैं। सो जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, ऑलवेज पैक योर मेडिसिन एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर हाई एल्टीट्यूड, बिकॉज दीज माउंटेन्स ये जो है ना आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म और तरीके से, जो है ना आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे। या वो आपको हेडेक देगा, या आप मसल्स फटीग होंगे, या आप थक जाओगे, या चोट लगेगी, बट दीज माउंटेंस विल हम्बल यू, सो कम प्रिपेयर्ड। सो हम बड़े जो है ना अंडर प्रिपेयर्ड आए हुए हैं ना, हमारे पास दस्ताने हैं जो इसे ग्लव्स कहते हैं, हमारे हाथ फ्रीज हो चुके हैं, जो मेरी DOP है मिसेज यू खानो उनके हाथ बिल्कुल जम चुके हैं। तो और बारिश भी शुरू होने वाली है, सो बाबर आजम प्ले वेल। थैंक यू। फाइनली 3 दिन की नॉन स्टॉप शूटिंग जो कि स्कर्दू में शुरू हुई और देवसाई में ख़त्म हुई, दिस ट्रिप हैज फाइनली कम टू एन एंड। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप इज दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट विद माई फ्रेंड्स वासिफ एंड हमजा। हम तीनों स्टोरी टेलर्स हैं जो कि अपनी एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करते हैं, एंड आई होप वी कैन इंस्पायर यू टू कैप्चर योर ओन स्टोरी एंड शेयर इट विद द वर्ल्ड। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।